क्या? बढ़िया, मस्त चल रहा है, मजेदार। आज से ना हम लोग मेजर टेस्ट का भी प्रिपरेशन करेंगे लास्ट 15-20 मिनट, ठीक है? ओके सर, ओके सर, 15-20 मिनट है ना, उसमें हम लोग मेजर टेस्ट का प्रिपरेशन करेंगे। तो रुकते हैं कुछ टाइम और, कुछ बच्चों को आने देते हैं, फिर स्टार्ट किया जाए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कुछ टाइम रुकते हैं, 2-3 मिनट, फिर स्टार्ट। ये बताओ, SN1 रिएक्शन हमने पढ़ लिया था क्या? पूरा यस सर। दो 3 मिनट रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस। तब तक आप लोग बताओ, किसी को कुछ भी पूछना हो, किसी को कुछ भी बातें करना हो। क्लासेस कैसी लग रही हैं आप लोग को? सर बढ़िया, बढ़िया लग रहा ठीक है, नंबर भी आने चाहिए बढ़िया, ठीक है, और सर। भी ओके बढ़िया। सर, नंबर भी बढ़िया आने चाहिए आप लोग। सर इस संडे केमिस्ट्री का नहीं है ना? नहीं, बहुत ही संडे से केमिस्ट्री का आ रहा है। ये बताओ, अगले संडे को, इसके अगले संडे को केमिस्ट्री का कौन सा पेपर है? टेस्टिंग प्लानर आप लोग के पास है, सर अभी चेक नहीं किया। चेक करो, चेक करके बताओ, चेक करके बताओ सभी को। हेलो थ्री सर, गौरव क्यों नहीं आ रहा है? किसी को आइडिया क्या? भावना सर वो बीमार है सर, क्या हो गया उसको? अच्छा, पता नहीं, बुखार आया है शायद। और भी किसी का कोई फ्रेंड है जो नहीं आया? सर नंबर्स की टेंशन ना लीजिए, वो बढ़िया ही आएंगे। अरे बिल्कुल टेंशन लेंगे, आपको भी टेंशन लेना है, आपको भी टेंशन लेना है और मुझे भी। और उसके पे ना प्लान से वर्क करना है, ऐसा नहीं कि वर्क करना, जब तक हम लोग वर्क नहीं करेंगे ना तब तक नहीं सही होगा। रुकते हैं थोड़ा सा, गुड इवनिंग सर। हाँ रुकते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा रुकते हैं, लोगों ने ना SN2 पढ़ रखा था, SN1 बचा हुआ था, ठीक है? SN1 देख लेते हैं थोड़ा सा, SN1 कैसा होता है, SN1 रिएक्शन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। SN1 रिएक्शन हम लोग देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे बताओ? प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेंगे, क्लियर है? क्या देखेंगे हम लोग? प्रीवियस क्लास का रिवीजन करेंगे। तो आज हम लोग SN1 पढ़ेंगे और क्या करेंगे एक्सरसाइज के, बोलो जरा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे, क्लियर है मेरी बातें? बताओ भाई, क्लियर यस है? सर। जरा इसका आंसर बताना आप लोग, ये सब SN2 है, जरा बताओ इसका आंसर आप लोग।
इसका आंसर आप लोग बताओ, सॉल्व करो इसको, इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ। सर ऑप्शन टू। देखो ये एसएन टू बोल रहा है ना, एसएन टू, एसएन टू क्या है, आएंगे आपके पास बैठेंगे धक्का देके निकालेंगे। तो ये बताओ, मैंने एसएन टू में बताया था जो एसएन टू होता है उसका रेट किस पे डिपेंड करता है, एल्किल हैलाइड पर भी और न्यूक्लियोफाइल पर भी, दोनों पे डिपेंड करता है यस ना, करता है। तो सर। पहला वाला क्या बोल रहा है, इनडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो पहला वाला गलत है, न्यूक्लियोफाइल पे भी तो डिपेंड करता है ना, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देख लो, न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बन फ्रॉम द साइड अपोजिट टू द वेयर लिविंग ग्रुप अटैच, एट लिविंग ग्रुप जहां पे होता है उसके पीछे से अटैक करता है ना, यह वाला सही है। तीसरा यस सर। देख लो, ओनली वन स्टेप, क्या सिंगल स्टेप में ही हो जाता है, यह भी सही बात है, मैंने बताया लिखवाया भी था, सिंगल स्टेप में होता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है किस पे डिपेंड करता है, एल्किल हैलाइड पे और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। तो पहला ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा, और यही हमें सही, यही हमसे पूछा है। चलो जरा इसका आंसर बताओ आप लोग, इसका जरा आंसर बताओ आप लोग क्या होगा, आप लोग इसका आंसर बताओ क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर, 1.5 ऑप्शन सी। सिंपल सी बात आप लोग जानते हो क्या होता है, रेट इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे एल्किल हैलाइड और क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल दोनों होगा। क्या बोला है कि जो एल्किल हैलाइड है ना, ये 3 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, ट्रिपल लिखा हुआ है ना, 3 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, और न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। तो आप बताओ रेट क्या हो जाएगा, क्या रेट 3/2 हो जाएगा क्या, बोलना जरा। और 3/2 को आप लोग क्या बोलते हो, क्या 1.5 बोलते हो कि नहीं बोलते हो, यस सर, बोलो क्लियर गॉट है। इसका आंसर आप लोग बताओ, इसका आंसर बताओ, कल मैंने बताया था सब चीजें, बताया था आपको, पढ़ाया था सब चीजें, पढ़ाया था आप लोग, इसका आंसर बताओ। सर ऑप्शन डी। लीस्ट रिएक्टिव पूछा है, देखो पहला ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन क्या होगा, मेथिल क्लोराइड को क्या बोलते हैं, CH3Cl बोलते हैं क्या, मेथिल क्लोराइड को। दूसरा यस सर। ऑप्शन एलाइल क्लोराइड है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसी को ना बोलते हैं, जहां पे भी SP2 कार्बन से कोई हैलाइड जुड़ा हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइल एलाइल को हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। यस सर, एक बार जो, एक बार जस्ट एक बार, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन सा हो गया। ठीक है, हेलाइड हेलाइड बोलते हैं। अब तीसरा ऑप्शन देख लो, तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ, एथिल क्लोराइड, CH3 CH2, एथिल हो गया और क्लोरीन हो गया, क्या एथिल क्लोराइड हो गया क्या। चौथा ऑप्शन देखो, चौथा ऑप्शन लिखा हुआ विनाइल क्लोराइड, क्या लिखा हुआ है, विनाइल क्लोराइड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl, इसी को बोलते हैं ना विनाइल क्लोराइड, जरा बताओ। तो यस सर, यस एक बात सर। बताओ, लिस्ट रिएक्टिव पूछा है, लिस्ट रिएक्टिव, तो ये जरा बताना लिस्ट रिएक्टिव क्या होगा। सुनो थोड़ा, सुनो एक बात बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना,
मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया, जो एलाइल होता है ना, एलाइल वह ऐसे होता है, और जो विनाइल होता है ना वो ऐसे होता है। देखो यह एलाइल है और यह विनाइल है, ठीक है। विनाइल वाला जो होता है ना, विनाइल वाला क्या होता है, विनाइल वाला जो हमारे पास H2 का SP2 कार्बन है ना, उस पे हमारे पास क्लोरीन होता है, इसको हम लोग विनाइल बोलते हैं। और आपको पता है विनाइल वाले पे क्या होता है, SP2 कार्बन पे ना ही SN1 होता है ना ही SN2 होता है, यही वाला हमारा क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर, एलाइल वाले यस सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो यह वाला फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इसका जरा आंसर बताना, कैसे पता करोगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसे आप लोग चेक करोगे? हाँ वीडियो के पेस्ट्री क्या? देखो सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास क्या फोर्थ प्रायोरिटी वाला सबसे नीचे है क्या? वन टू यस थ्री करना, 1 2 3 करोगे तो क्या आएगा, एस या फिर आर? एंटी क्लॉकवाइज है ना, भूल गए आप लोग? इसके नेक्स्ट वीक हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री का टेस्ट है, तो एस होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज है तो। देखो सर ये प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट में देख लो, 1 2 3, 1 2 3 है तो क्या है, आर है या फिर एस है? आर आर है। अब ये बताओ एस था आर में कन्वर्ट हो गया, तो बताओ SN1 होगा या फिर SN2 होगा? SN2 होता है, SN2 में बैक से करता है ना अटैक, और आर होगा तो एस हो जाएगा, एस होगा तो आर होगा, SN2 में होता है ना ऐसे बैक से अटैक, यस सर। भूल गए आप लोग? ये रिएक्शन मैं बताऊंगा अभी, छोड़ो। SN1, चलो इस रिएक्शन को बता देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखो एक बार, जो मैं कहां पे गया, एक बार आप लोग रुको, ये कुछ ऐसे है, ध्यान से देखना आप। मैं अपने फोन में ओपन कर लूँ, फिर आप लोग को रिएक्शन बताते जाऊंगा। देखो रिएक्शन क्या है, हमारे पास एक सब्सट्रेट है, क्या है, सब्सट्रेट यानी कि एल्किल हैलाइड है, और पहला देखो, पहला पता है क्या बोला है, एक्वस NaOH बोला है, क्या बोला है, एक्वस NaOH बोला है। आप बताओ, आप बताओ, जब NaOH है तो Na+ बनेगा, और क्या बनेगा, OH- बनेगा कि नहीं बनेगा, वो तो यस सर। अब ये बताओ न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा, OH-, OH-, और OH- करेगा तो इस पे आएगा डेल्टा माइनस, और इस पे आएगा डेल्टा प्लस। Positive. अब ये बताओ OH- क्या इस पे अटैक करेगा क्या, yes, और क्लोरीन को आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा। जब क्लोरीन को बाहर निकाल देगा तो क्या यहाँ पे हमारे पास आर ओ एच बन गया, बोलो। यस सर। जब क्लोरीन माइनस के फॉर्म में बाहर निकलेगा और एन ए प्लस है तो क्या बना लेगा, एन ए और एक्स। एन ए एक्स बना लेगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर यस सर। यस फिर से सर। देखो, हमारे पास एक है आर एक्स है, अब इसमें इसने क्या मिला दिया, ध्यान से देखो, Ag2O और H2O मिला दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉइस्ट Ag2O बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। अब कभी भी याद रखना, जब यह दोनों मिले ना तो हमेशा क्या बनाएगा, OH- बनाएगा, क्या बनाएगा, OH- बनाएगा। जब यह दोनों मिलेंगे ना तो आप लोग याद कर लो, क्या बनाएंगे, OH-। OH-। और जब यहाँ पे ब्रोमीन लिख लो, ब्रोमीन, सबके सब ब्रोमीन में बनेंगे। जब OH- बनाएगा तो यहाँ पे इसको अटैक करेगा और यह बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या हमारे पास आर ओ एच बन जाएगा क्या, जरा बताओ। यस सर। हाँ, कभी भी Ag2O मिल जाए और H2O मिल जाए तो क्या बनेगा बताओ, ROH। OH- बनेगा ना, अरे OH- बनेगा, Ag2O और H2O मिल जाए तो। आप लिख लो इसको, लिख लो इसको, ठीक है, लिख लो इसको। अब फिर से देखो, मान लो कि हमारे पास RBr है,
यहीं से आपको कुछ रटने वाली चीजें याद करनी होंगी। अब देखो हमारे पास ड्राई Ag2O दिया हुआ, क्या दिया हुआ बताओ? ड्राई Ag2O। भी आपको ड्राई Ag2O मिल जाए ना तो आपको OR माइनस बनेगा, क्या बनेगा बोला जरा? OR माइनस। ये बताओ अगर हमारे पास Ag2O और H2O होता तो क्या बनता? Ag2O और H2O होता तो क्या बनता बताओ? OH माइनस। और ड्राई Ag2O है तो क्या बनेगा? OR माइनस। या इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर भेज देगा, yes, क्या sir. बना लेगा? आर ओ आर बना लेगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। मान लो हमारे पास आर वी आर है और तीसरा देखो क्या है हमारे पास एन ए ओ ई टी है, कुछ ऐसे है। अब ये बताओ सोडियम मेटल है तो हमेशा इसके पे प्लस होगा और इसके पे माइनस होगा, बोलो? यस सर। इसको अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। यस सर। आर आर ओ यस सर। ई टी का क्या मतलब है? ई टी का एथिल हुआ, क्या हुआ? इथाइल। एथिल इथाइल एथिल। क्लियर है? Yes, देखो हमारे पास आर वी आर दिया हुआ, आप लोग भी कॉपी पे बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? यस yes, बनाते जाओ क्योंकि तो फिर वैसे मजा नहीं आएगा। अब ये बताओ कि एन ए प्लस हो गया और ये हमारे पास माइनस हो गया पूरा, माइनस वाला आके अटैक इस पे करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आर हो गया। कौन अटैक किया है? क्या कार्बन अटैक किया है क्या? और कार्बन yes, के sir. बाद इस पे ट्रिपल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर CH3 है, बन गया क्या प्रोडक्ट हमारा? कॉपी पे आप लोग बनाते रहो। अभी ना मैं सबका yes, भी किसी का रैंडम, किसी का भी रैंडम नाम लेके बोल दूंगा कि मेरे व्हाट्सएप पे भेजो, किसी का भी रैंडम नाम लेके बोल दूंगा मैं, फिर आप लोग की ऐसे इंसल्ट करूंगा ना। कर रहे हो ना सभी कोई कॉपी पे? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब यह इम्पोर्टेंट कर लेना आप इसको, क्या कर लेना? इम्पोर्टेंट कर लेना। हमारे पास आर बी आर है, क्या है? आर बी आर है। अब इससे जुड़ रहा है NaCN, क्या जुड़ रहा है? NaCN। यह जो होता है ना, यह जो NaCN होता है वो आयनिक होता है, क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड होगा तो सोडियम पे प्लस होगा और साइनाइड पे माइनस होगा कि नहीं होगा? yes, होगा sir, अब ये बताओ जब भी साइनाइड पे माइनस होता है ना तो CN माइनस होता है, यानी कि कार्बन पे माइनस होता है। किस पे माइनस होता है? यह जाके कार्बन पे और इसको बाहर निकाल देगा तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? ध्यान से देखो, आर सी एन बन जाएगा क्या? यस सर। बोलो। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनाइड, एल्किल साइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल साइनाइड बोलते हैं। अगर यहाँ पे एल्किल की जगह मेथिल होगा तो मेथिल साइनाइड बोल देंगे। लेकिन लेकिन यहाँ पे देखो, मान लो कि हमारे पास आर बी आर आ गया, आर बी आर आ गया और हमारे पास AgCN है। क्या है? AgCN है। तो पता है क्या, ये जो AgCN होता है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट। कोवेलेंट और कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं, ये आपको पता होगा, बोलो? यस सर। अब देखो, यह आयनिक था तो कार्बन पे माइनस था और ये कोवेलेंट है ना तो किसी पे प्लस माइनस नहीं है, तो केवल और केवल क्या है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ना उसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो आप बताओ जरा, तीनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन जाके अटैक करता है और नाइट्रोजन जाके अटैक करता है कुछ ऐसे बन जाता है आर। अब नाइट्रोजन से जुड़ेगा ना, बोलो? क्या बन जाएगा? आर एन सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आर एन सी। इसको बोलते हैं हम लोग आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। ये बताओ कि NaCN जुड़ेगा तो क्या बनेगा? साइनाइड बनेगा। और AgCN जुड़ेगा तो क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? रीजन क्या है? रीजन बताओ जरा, रीजन क्या? बिकॉज AgCN इज कोवेलेंट बॉन्ड। वैशाली समझ आ रहा है आपको? यस सर। कॉपी पे आप लोग लिख रहे हो?
यस सर दिया छाबरा जरा कॉपी का मुझे फोटो भेजना ओके सर भावना आप भी सेंड करो यस सर सेंड करो जल्दी मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक को मजाक मत लेना कभी भी आप लोग जब तक आप लोग हाथ से नहीं बनाओगे ना इसलिए तो मैं पीपीटी नहीं बना के ला रहा हूँ ताकि आपको हाथ से कराऊंगा मैं पूरा ओके सर इसलिए तो मैं पीपीटी नहीं बना रहा हूँ प्रतिष्ठा ने मुझे सेंड कर दिया लिख लेना आप लोग रीजन वगैरह भी लिख लेना वरना भूल जाएगा टाइम क्यों लग रहा है भावना दिया टाइम सर भेज दिया सर आ गया आपके मतलब आपने एरो कहीं नहीं दिखाया ना कैसे एरो मैं एरो ऐसे ही बना रहा हूँ आप लोग को एरो ऐसे दिखाना पड़ेगा ना जैसे मैं एरो बनाया हूँ नहीं समझा आपने जब एरो ही नहीं बनाओगे ऐसे तीर नहीं बनाओगे तो फिर कैसे चलेगा बताओ मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये मैं नाम नहीं बताऊंगा किसका है लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ ये मैं नाम नहीं बता रहा किसका है लेकिन मैं आप लोग को दिखाता हूँ दिख रहा है आप सबको दिख रहा है सबको बताओ यस सर यस सर आप ऐसे नहीं बनाना है जैसे मैं एरो बनाया हूं वैसे बनाना है इसमें कहीं आपको एरो दिख रहा है कौन कहां पे अटैक कर रहा है जरा बताना नो सर नहीं दिख रहा है ना नहीं पता चलेगा आप लोगों को ठीक है तो जैसे मैं एरो बना रहा हूं वैसे आप लोग को भी एरो बनाना है बिना उसके नहीं है ऑर्गेनिक इसलिए मैं देखना चाहता हूँ आप लोग को ऑर्गेनिक वीक हो जाएगा ऐसे ऐसे आप लोग को ऑर्गेनिक क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा समझ रहे हो यस सर आप फोटो सेंड करो वैशाली ओके सर सुरिंदर आप भी करो ठीक है आप लोगों को ना एरो बना के सही से करना है ठीक है क्लियर है बातें मेरी क्लियर है यस सर अब देखो मान लो कि हमारे पास आर बी आर है अब ये बताओ आर बी आर का क्या मतलब है आर की जगह कुछ भी हो सकता है सी एच थ्री सी एच टू बी आर भी हो सकता है यह ऐसे भी हो सकता है ठीक है ऐसे भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है अब ध्यान से देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ए जी मैं ऐसे लिख रहा हूं अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ध्यान से ये बताओ कि ए जी मेटल है तो इसके पे प्लस आएगा और ऑक्सीजन पे क्या आएगा माइनस आएगा ये बताओ न्यूक्लियोफाइल यह है ना यह जाएगा अटैक करने ना बोलो और इसको बाहर निकाल देगा आर हो जाएगा अब ये बताओ आर से कौन जुड़ रहा है ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन से क्या लगा हुआ है एक कार्बन लगा हुआ है और इस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर क्या लगा हुआ है आर लगा हुआ यह वाला प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ बनेगा ना यस सर बनेगा अब एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया होता या पूछा हुआ है आर बी आर है और यहाँ पे ध्यान से देखो कुछ ऐसे लिखा हुआ था सी एच टू C डबल बॉन्ड O O CH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O O CH3 कुछ ऐसे लिखा हुआ था ठीक है
अब इस पे लिख दिया होता बेस। अब ये जरा बताना, मैंने आपको दो चीज बताया था, एक बताया था बेस होता है और एक क्या बोला था न्यूक्लियोफाइल होता है। जरा बताना बेस का काम क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है। बेस का काम क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, जरा एक बार आप लोग बताओ। कभी बेस का काम क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, एक बार जरा बता दो आप लोग। बेस का काम क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है। देखो तो पता है क्या होता है, एक होता है कि न्यूक्लियोफाइल होता है और दूसरा क्या होता है बताओ। एक न्यूक्लियोफाइल होता है, दूसरा होता है बेस। तो बेस का काम होता है एच प्लस निकालना और न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, अटैक करना। बेस का काम होता है एच प्लस निकालना, न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है बताओ, अटैक करना। बेस वहीं से एच प्लस निकाल सकता है, उसी का हाइड्रोजन ले सकता है जो इजिली दे सके, और इजिली जो भी देगा तो जाहिर सी बात है उसके पास माइनस बनेगा, और माइनस जिसका ज्यादा स्टेबल होगा वही एच प्लस देना चाहेगा। क्या बातें क्लियर है क्या मेरी? यस सर। या पहला नंबर कार्बन है या दूसरा नंबर कार्बन है या तीसरा नंबर कार्बन है, इन तीनों के पास क्या है, हाइड्रोजन है। ये बताओ कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। बताओ जरा कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, क्या दूसरा वाला नंबर का हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे माइनस बनेगा, बोलो जरा। और जब माइनस बनेगा तो यह रेजोनेंस स्टेबल नहीं हो जाएगा। यस सर। तो तीसरा वाला कार्बन, तीसरा वाला हाइड्रोजन निकलेगा ना तीसरे वाले कार्बन से, यस। बोलो क्या मेरी बातें क्लियर है, सबको समझ आई है? हाँ सर। यस सर। यस सर। देखो एक एच तो है ही यहाँ पे और एक क्या है, माइनस है। क्लियर है? अब देखो एक एच है एक माइनस है, तो यहाँ पे ये बताओ यहाँ पे अटैक करेगा तो यह ब्रोमीन निकालेगा बाहर, और जब ब्रोमीन निकालेगा तो देखो आर हो गया सी, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी एस थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी एस थ्री, और यहाँ पे एक एच है। बोलो क्या किसी को कोई दिक्कत है इसमें? अरे समझ आ गया ये? यस सर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एस एन वन रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं बताओ? क्या बोला SN1 रिएक्शन, खली द ग्रेट खली जैसा है क्या, वो आएगा उसके पहले भागने वाला ग्रुप निकल जाएगा, कुछ ऐसे ही बताया था ना मैंने। मान लो कि हमारे पास कोई भी आर एक्स है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले ये एक्स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और क्या बना लेगा, आर प्लस बना लेगा। क्लियर है मेरी बातें? जब आर प्लस बना लेगा तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर लेगा, और अटैक करके क्या बना लेगा, आर एक्स बना लेगा। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? ना सर। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया। डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से आपको क्या देखना है, यह कुछ ऐसे हो गया, हो गया। अब ये देखो यह आर प्लस जितना ही ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा उस पर क्या होगा, अटैक होगा। मैंने उस हिसाब से आपको क्या बोला था, 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, फिर 0 डिग्री वाला। ये मैंने कुछ बताया था क्या ऐसे आप लोग को? यस सर। अब देखो, अब इसके कुछ फीचर्स लिख लेते हैं। फीचर्स इसके क्या क्या है,
फीचर्स देखो, टू स्टेप प्रोसेसर, क्या है टू स्टेप प्रोसेसर। टू स्टेप प्रोसेस का क्या मतलब है, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा है, दूसरे स्टेप में क्या बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पे अटैक कर रहा है, कुछ ऐसे ही बन रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है। यस सर। अब यह सिंगल ऑर्डर का रिएक्शन है, क्या है सिंगल ऑर्डर का रिएक्शन है, क्लियर है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो sir. इसका जो रेट होता है ना रेट, वह केवल और केवल एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, एल्किल हैलाइड पे। यह न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है क्या सर? नहीं करता है ना। अब न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन चाहे आप कम कर लो या फिर ज्यादा कर लो, क्या कोई फर्क पड़ेगा इसके पे? नो सर। सर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बातें मेरी क्लियर हो गई? यस सर। क्लियर हो गई। मान लो कि हमारे पास SN1 रिएक्शन कराना है, SN1 कराना है, तो देखो कि हमारे पास जो एल्किल हैलाइड है ना, इसका जो कंसंट्रेशन है मैंने 3 गुना कर दिया, और जो न्यूक्लियोफाइल है ना, इसका कंसंट्रेशन मैंने 2 गुना कर दिया, तो रेट बताओ कितने गुना हो जाएगा, रेट बताओ कितने गुना हो जाएगा, हो जाएगा क्या? थ्री टाइम्स। कितने टाइम्स रेट बढ़ जाएगा बताओ? सर 3 टाइम्स। थ्री टाइम होगा, क्योंकि आप बताओ क्या न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है। चाहे आप इसको आधा कर दो चाहे 2 गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर। अब देखो, अब सिंपल सी बात बताओ, आते हैं थोड़ा सा मुद्दे की बात कर लेते हैं। हमारे पास यह कार्बन है, यह R1 है, यह R2 है, और यह R3 है, और यहाँ पे कोई X ग्रुप है, ठीक है। अब ये बताओ न्यूक्लियोफाइल आएगा उसके पहले X क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा? Yes, sir. जब गायब yes, हो जाएगा क्या बना लेगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना लेगा क्या, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना लेगा। अब सबसे पहले देखो कि यह sp3 था, और sp3 था तो हम इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल बोलेंगे। यस सर। यस सर, टेट्राहेड्रल बोलेंगे। अब यह sp2 हो गया, और sp2 को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अब सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी एक बात बताओ, जब यह ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, तो अब जाहिर सी बात है एक प्लेन में हो गया, हम एक प्लेन में ऐसे बनाएंगे। अब जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा उसके पास 2 ऑप्शन, चाहे ऊपर से अटैक कर सकता है, चाहे नीचे से अटैक कर सकता है। उसके पास दोनों ऑप्शन है ना, चाहे ऊपर से अटैक कर सकता है, चाहे नीचे से अटैक कर सकता है। देखो न्यूक्लियोफाइल चाहे आएगा तो ऊपर से अटैक कर सकता है, चाहे कहां से अटैक कर सकता है, नीचे से अटैक कर सकता है। तो इसके पास क्या 2 प्रोडक्ट बनेंगे क्या, जरा बताओ, बोलो जरा, क्या 2 प्रोडक्ट yes, बनेगा क्या इसके पास? यस सर। R2 मान लो, R3 मान लो, और यह न्यूक्लियोफाइल मान लो। एक तो मान लो कि ऊपर से बन गया, और दूसरा क्या कहां से आएगा, नीचे से आएगा। दूसरा कहां से आएगा, नीचे से आएगा। अगर अगर यह R होगा, अगर यह R वाला होगा तो यह क्या होगा, S होगा। यह R वाला होगा तो क्या होगा, S होगा। तो पता है क्या कि पता है, ध्यान से देखो, अगर SN2 रिएक्शन होता तो अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट होता वो R होता तो प्रोडक्ट क्या बनता, S बनता। अब हमारे पास SN1 में कोई फर्क नहीं पड़ता है, R हो या फिर S हो प्रोडक्ट, हमारे पास जो रिएक्टेंट, हमारे पास जो प्रोडक्ट, दोनों बनेंगे, एक R भी बनेगा और एक S भी बनेगा, दोनों प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर मेरी बातें? अब यह दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, तो क्या यह दोनों एक दूसरे के इनेंसियोमर है क्या? इनेंसियोमर है, इनेंसियोमर है दोनों एक दूसरे के। पहली बात, 50% R बन रहा है और 50% S बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिनिक मिक्सर बोलते हैं क्या? यस सर। यस सर। तो इसमें रेसमाइजेशन होता है, रेसमाइजेशन मतलब 50-50% प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर।
तो कुछ भी डाउट होगा तो बता देना। कल मैंने इस पे आपको एक क्वेश्चन वगैरह बता दिया था, कुछ क्वेश्चंस वगैरह शायद आप लोगों ने किया भी था, और अच्छी बात है। ऐसा करता हूँ, एक और मैं क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना है। जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ वह ज्यादा एसएन वन देगा। तो आप लोग को मैं ऑप्शन देता हूँ, जरा बताना। पहला ऑप्शन हमारे पास कुछ ऐसे है, क्लोरीन CH3 और यहाँ पे H है। दूसरा ऑप्शन देखो, क्लोरीन है। तीसरा ऑप्शन देख लो, यहाँ पे क्लोरीन है। फोर्थ ऑप्शन देख लो, ठीक है। ये मैं प्लस, अब जरा बताना सबसे अच्छा एसएन वन कौन देगा। या मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखो, यह आपका ना 2022 का क्वेश्चन है, जेई 2022 का क्वेश्चन है। चलो बताओ आप लोग, सबसे अच्छा एसएन वन कौन देगा सर? ऑप्शन थ्री। पहली बात, ऑप्शन थ्री में आपको पता है ना, ये ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल ही नहीं होगा। ये मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल ही नहीं होगा। जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा ही नहीं तो एसएन वन कहाँ से बनेगा? तो सबसे खराब तो हमारे पास तीसरा वाला देगा, समझ गए? फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, और यह एलाइलिक है। एलाइलिक का क्या मतलब है? पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस से जाके क्या होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। हमें स्टेबिलिटी भी तो देखनी है ना। फोर्थ वाला सबसे ज्यादा होगा। अब पहले में और दूसरे में बताओ जरा, पहला वाला भी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो यह किससे स्टेबल होगा बताओ? यह बिना एलाइलिक है ना, एलाइलिक है तो रेजोनेंस से स्टेबल होगा, तो दूसरा वाला होगा, फिर पहला वाला होगा। नहीं समझे क्या आप लोग? सबसे ज्यादा चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला। वैशाली, क्या मेरी बातें क्लियर है? बोलो आप लोग, क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? यस सर। किसको कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर, कोई डाउट नहीं। अगला देख लो, अगला एक और क्वेश्चन दूं, आप लोग बताओगे? यह देखो, यह 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2023 में। पहला देखो, पहला कुछ ऐसे है, ये बताओ ऐसे लिख के लाना अच्छा है या फिर पीपीटी बना के लाना अच्छा है ऑर्गेनिक के लिए? सर ऐसे ठीक है, ठीक है सर, लिख के ऑर्गेनिक के लिए। ये 1, 2 और 3 जरा बताना, अगर एसएन वन रिएक्शन होगा तो कौन सा ब्रोमीन निकलेगा बाहर? वही ब्रोमीन निकलेगा। ब्रोमीन निकलने के बाद जो भी पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो स्टेबल होना चाहिए, उस हिसाब से ब्रोमीन निकालना। ऐसा नहीं कि कोई भी ब्रोमीन निकाल देना। कौन सा ब्रोमीन निकलेगा सर? सेकंड वाला। चैट बॉक्स में बताओ सभी, कोई चैट बॉक्स में, सबका आंसर सुनना है। चैट बॉक्स में आप लोग बताओ, बीच वाला क्या होता है? नंबर वन में मैं नंबर दिया हूं ना। सभी कोई बताओ क्या होगा?
अरे बताओ वैशाली, भावना, कशिश, सानू। सानू मेरी आवाज आ रही है? सर बता दिया। सानू, सानू क्लास में है क्या? शिवम, सर बता दिया। गौरव आप ठीक हो? यस सर। आप कई दिन से आ नहीं रहे थे? सर एक ही दिन एब्सेंट था, कल तो छुट्टी थी शायद। चलो ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे ना, तो पहली बात तो यह sp2 पे पॉजिटिव बनाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, हटा दो इसको। और तीसरा वाला देखो, तीसरा वाले में अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना, तो जो दूसरा वाला पॉजिटिव चार्ज होगा ना, वह रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, इसलिए दूसरा वाला निकलता है। क्या मेरी बात है, समझ गए आप? यस सर। यस सर। इसमें देखो एक और बताओ, इसी का दूसरा क्वेश्चन बताओ। यहाँ पे आई ए है, यहाँ पे आई बी है, और यहाँ पे कुछ ऐसे बना हुआ है। अब जरा बताओ कि अगर SN1 रिएक्शन होगा तो कौन सा निकलना चाहेगा, आई ए या फिर आई बी? आई ए। क्यों आई ए निकलना चाहेगा? देखो आई ए ही निकलेगा, क्योंकि आई ए के पास अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, यह एलाइलिक बन जाता है। क्या बन जाता है? एलाइलिक। और आपको पता है एलाइलिक वाला स्टेबल होता है, ठीक है, इसलिए आई ए निकलेगा। एक और क्वेश्चन पूछूं, आप लोग बताओगे? यस सर। हाँ आप लोग ना, मैं बोला हूँ ना ऑर्गेनिक को आप लोग ऐसे बनाते रहो, अभी मैं फिर से रैंडम किसी का नाम ले लूंगा और पूछ लूंगा। जरा बताओ अब कौन सा ब्रोमीन निकलेगा, पहला या फिर दूसरा? चैट बॉक्स में बताओ कौन सा ब्रोमीन निकलेगा, पहला या फिर दूसरा? दूसरा वाला निकलेगा, क्योंकि अगर पहला वाला निकलेगा ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन है। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। एक और देखो, एक और अब बताओ, पहला ब्रोमीन निकलेगा या फिर दूसरा ब्रोमीन? पहला ब्रोमीन या फिर दूसरा ब्रोमीन? पहला ब्रोमीन निकलेगा, क्योंकि पहला ब्रोमीन निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, और यह पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि 3 डिग्री वाला है। क्लियर है मेरी बातें? क्या सबको क्लियर हो रही है? क्या समझ आ रहा है ना सबको, या फिर ऐसे ही बस? और भी क्वेश्चन तो करोगे आप लोग? सर दे दो। और भी क्वेश्चन दो आप लोग करोगे? ये देखो, यह 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन, ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन देखो, क्लोरीन हो। दूसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे ओ CH3। तीसरा ऑप्शन देखो, CH3 CH
सीएसपी और चौथा ऑप्शन देखो सीएसपी CH2 NO2। चलो जरा आप लोग बताना कि अगर SN1 रिएक्शन होगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दो आप लोग। मैं ऑप्शन देते रहा हूँ आप लोग को। ऑप्शन ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन कुछ ऐसे है बी ए सी एंड डी। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन ए बी डी एंड सी। तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन ए बी सी एंड डी। एंड फोर्थ ऑप्शन देख लो सी डी ए एंड बी। चलो बता दो जरा एक बार आप लोग बता दो कौन सा ऑर्डर अप्लाई होगा। समझ आ रहा है ना आप लोग को? यस सर। SN1 होगा तो किस पे पहले अटैक करेगा? नहीं शिवम, डी वाला नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं। देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, अगर डी वाले की बात करते हो तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा अगर क्लोरीन निकलेगा तो बताना जरा। और ये बताओ पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, आप बताओ इसको स्टेबल कर रहा है कि अनस्टेबल कर रहा है? एक बार जरा बताओ। अनस्टेबल कर रहा है। बोलो जरा। अनस्टेबल कर रहा है तो उस हिसाब से हमारे पास डी वाला सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो हमारे पास या फिर पहला सही हो सकता है या फिर तीसरा सही हो सकता है। क्या बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. अब देखो सी वाला दोनों सेम पोजीशन पर है, हमें केवल क्या चेक करना है ए और बी। अगर ए में देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज बनेगा। क्लियर है बातें? तो पहली बात अगर ध्यान से देखोगे ना तो पहला वाला आपका एरोमेटिक होगा। क्या होगा? एरोमेटिक होगा क्योंकि 2F4N+2 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। दूसरा वाला भी क्या होगा? एरोमेटिक होगा, लेकिन दूसरे वाले में ना आपको लोन पेयर की वजह से क्या कर रहा है? स्टेबल कर रहा है इसको, और भी ज्यादा स्टेबल कर रहा है लोन पेयर की वजह से। जो दूसरा वाला होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो हमारे पास जो ए ऑप्शन होगा ना वो करेक्ट होगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। समझ रहे हो आप लोग? किसी को कोई डाउट? बता दो आप लोग, कोई डाउट नहीं। अब देखो अब हम लोग पढ़ते हैं SN। ध्यान से देखो SN AR1 रिएक्शन। SN या SN1 रिएक्शन है, लेकिन इसमें क्या है? एरिल हैलाइड आ जाता है। क्या आ जाता है? एरिल हैलाइड आ जाता है। ध्यान से देखो हमारे पास क्या है एरिल हैलाइड का क्या मतलब है? बेंजीन पे कोई ना कोई क्या होगा बोलो? ब्रोमीन ग्रुप या फिर कोई भी हैलाइड ग्रुप होगा। आप बताओ बेंजीन पे अगर ऐसे कोई हैलाइड ग्रुप आ जाता है तो क्या वो SN1 और SN2 देता है? बोलो, नहीं देगा ना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज हाईली क्या है? अनस्टेबल है। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? बताओ। यस सर। जो एरिल हैलाइड है ना वो SN1 SN2 नहीं देता है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन केस है। आओ मैं वो एक्सेप्शन केस बताता हूँ कि एक्सेप्शन केस क्या है। एक्सेप्शन केस यहाँ पे आप लोग इम्पोर्टेंट कर लेना, ठीक है? अब देखो सबसे पहले मैं बनाता हूँ आपको नाइट्रोबेंजीन। क्या बनाता हूँ मैं? नाइट्रोबेंजीन। क्या मैंने नाइट्रोबेंजीन बना लिया? क्या जरा बताओ, नाइट्रोबेंजीन बना लिया। अब नाइट्रोबेंजीन में आप डाल दो टीन, और टीन के साथ क्या डाल दो? HCl। जब टीन के साथ HCl डालोगे ना तो यह इसका रिडक्शन कर देगा। क्या कर देगा? रिडक्शन कर देगा। रिडक्शन का मतलब होता है बच्चों ना ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो जाएगा? क्या NH2 हो जाएगा? क्या बोलो? लिख देता हूँ, नाम भी लिखते जाओ आप लोग। यह नाइट्रोबेंजीन है,
और यह क्या है हमारे पास, यह नाइट्रोबेंजीन है और यह क्या है एनिलीन है, क्लियर है बातें। अब देखो एक चीज और, यहीं से मेन गेम स्टार्ट होता है। अगर एनिलीन आपको मिल गया एनिलीन, और एनिलीन पे आप क्या डाल दो, एनिलीन पे आप लोग एच एन ओ टू डाल दो, क्या डाल दो एच एन ओ टू, टेम्परेचर रख लो जीरो डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना रखना है आपको 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, आपको क्या लेना है एच एन ओ टू। जब ऐसे आप लोगे ना तो आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा, ध्यान से देखो, यह डाई एजोनियम सॉल्ट है, क्या है एन टू प्लस हो जाता है, इसी को हम लोग एन टू सी एल भी बोलते हैं, एन टू प्लस और सी एल माइनस भी बोलते हैं, या फिर अक्सर क्या बोल देते हैं एन टू प्लस हो जाता है। लिख लिया क्या आपने, यहां तक लिख लिया, और यह पता है क्या हाईली अनस्टेबल है, क्या है जरा हाईली अनस्टेबल है, यह इजीली क्या कर लेता है उड़ लेता है, उड़ जाता है एन टू बना लेता है, गायब होकर क्या बना लेता है एन टू बना लेता है, यह बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। होता यही है ना कि जैसे कि मान लो कि क्या बोलते हैं कि वह ऐसा बॉलर जिसकी गेंद पे कोई भी छक्का मार सकता है, ऐसा कोई ना कोई तो बॉलर होगा ना, क्रिकेट वगैरह खेलते हो बताओ। यस सर, मतलब कि ऐसा बॉलर जिसकी गेंद पे कोई भी सिक्स मार दे, मतलब ये इतना ज्यादा अनस्टेबल है ना, कितना भी खराब आप न्यू फाइल डालोगे ना तो इसलिए क्या कर लेगा इसको हटा देगा, ठीक है, कितना भी खराब न्यूक्लियोफाइल डालोगे तो इजली क्या कर देगा उसको हटा देगा। अब देखो मैं लिखता हूं हाईली अनस्टेबल वाला क्या है हमारे पास, क्या यही था ना, जरा बताना यही था ना, यही था। यस सर, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सबसे गंदा न्यूक्लियोफाइल होता है H2O, H2O होता है, H2O में H प्लस होता है, OH माइनस होता है, तो OH माइनस इजीली क्या कर लेगा उसको हटा देगा और अपनी उसकी जगह क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, देखो, जबकि सबसे बेकार होता है। तो समझ रहे ना आप लोग कैसे बन रहा है ये, आपने ग्रिगनार्ड रिएजेंट का नाम सुना है, यस सर, MgBr, इसमें पता है क्या होता है, जो CH3 होता है ना इसके पे माइनस होता है, और Mg जो हमारा मेटल होता है इसके पे क्या होता है प्लस होता है। अब जरा आप लोग एक बात बता दो कि अटैक करने के लिए कौन जाएगा, CH3 माइनस ही जाएगा ना, यस सर, CH3 माइनस है। अब देखो, अब हमारे पास क्या आता है, एक और देखो रिएक्शन बनते जा रहा है, ध्यान से देखना रिएक्शन बनते जा रहा है, ऐसे इजी है कि नहीं इजी है। अब मान लो कि CuCl है, अब ये बताओ CuCl में न्यूक्लियोफाइल कौन सा काम कौन करेगा, Cl, बिल्कुल Cl माइनस होगा ना, Cu प्लस होगा, जब Cl माइनस होगा तो क्या वहां पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, यस सर, बोलो, यस सर, जुड़ जाएगा। अगर वही CuBr हो तो, CuBr हो तो, बोलो Br, और आपको पता है क्या, यह दोनों एक नेम रिएक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सैंडमायर रिएक्शन, क्या बोलते हैं सैंडमायर रिएक्शन, सैंडमायर, आप लोग को पता है ये सैंडमायर रिएक्शन है, कितने लोगों ने हेलोजन हेलोरीन पढ़ रखा है स्कूल वगैरह में, नाम सुना है, हर्ष निषाद शिवम, यस सर, सैंडमायर नेम सुना है, सुना होगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, अब इसमें अगर हम CU और HCl जोड़ दें, देखो अभी हमने CuCl जोड़ा और CuH, अगर CuHCl जोड़ दें तो भी क्या बनेगा बताओ, तो भी हमारे पास क्लोरोबेंजीन ही बनेगा, लेकिन इसका नाम हो जाता है गटरमान रिएक्शन, क्या हो जाता है गटरमान रिएक्शन, रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन पूछता है कि गटरमान रिएक्शन क्या होता है, जब आप Cu के साथ HCl लोगे तो गटरमान हो जाएगा, और केवल CuCl लोगे तो क्या हो जाएगा सैंडमायर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है मेरी बातें, यस सर। अब देखो इसमें अगर आप KNO2 डाल दोगे तो आप बताओ कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, अरे के पे प्लस आता है और NO2 है, तो NO2 क्या हो जाएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा, नहीं समझे क्या आप लोग, यस सर,
BF4 माइनस ले लो, BF4 माइनस में जो F होता है ना वह क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, F क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, तो F क्या हो जाएगा, इजिली जुड़ जाएगा। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो बताओ जरा एक बार, और कितने लोगों को नहीं समझ आया वो भी आप लोग एक बार बता दो, और इसको आप लोग नोट कर लो। ये देखो इतने सारे रिएक्शन मैंने चुटकी में बता दिया आप लोग को। N2 प्लस क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, उसको कितना भी कुछ भी कितना भी गंदा न्यूक्लियोफाइल डालो, कितना भी खराब डाल दो, कितना भी वीक डाल दो, इजिली अटैक कर लेता है। करो सॉल्व आप लोग इसको। जब ये क्या आप लोगों ने सॉल्व? यस सर। बना लिया सबने? यस सर। यस सर। अगला देखो। यस सर। मैंने आप लोग को बताया कि जो हमारे पास यह है ना, या जो भी ऐसे एरिल वाला जो भी क्लोरोबेंजीन हो गया या फिर ब्रोमोबेंजीन हो गया, इस पे आप बताओ क्या कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा क्या? नहीं करेगा। बोला नहीं करेगा, यह SN1 SN2 नहीं देता है। लेकिन अगर इस पे आप कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे ना, तो यहाँ पे आप बताओ अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे ना, तो यहाँ पे हाईली पॉजिटिव। देखो मैं एक चीज और बताता हूँ, आप बताओ कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करने क्यों आता है? अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत डेल्टा पॉजिटिव देखेगा तभी तो आएगा ना, बोलो जरा, देखेगा तभी तो आएगा ना। लेकिन यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बनता ही नहीं है, इसलिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता ही नहीं है। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, बोलो, और जब बनेगा तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या कर लेता है, इजिली अटैक कर लेता है। क्या बातें मेरी क्लियर है? Yes, sir. अगर आप बताओ सिंपल क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन होगा तो क्या कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? नहीं करेगा। अटैक कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसमें जोड़ना पड़ेगा। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन, ये 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन कुछ ऐसे दिया हुआ है, वैशाली समझ आ रही है मेरी बातें? कितने लोगों के ऊपर से जा रहा है ऑर्गेनिक? एक बार जब मैं भी लिख लूं फिर देखता हूं कितने लोगों के ऊपर से जा रहा है ऑर्गेनिक। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन हमारे पास ए वाला ऑप्शन क्या है, ए बी डी सी। बी ऑप्शन देख लो, सी ए डी एंड बी। डी ऑप्शन देख लो, डी सी डी एंड ए। अरे ये सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन देख लो, डी बी ए सी। जरा आप लोग बताना ये डी है, डी। हाँ जी बताओ जरा किसके ऊपर से ऑर्गेनिक जा रहा है? कितने लोगों को नहीं समझ आ रहा है ऑर्गेनिक? गौरव आपको नहीं समझ आ रहा है? वैशाली आपको भी नहीं समझ आ रहा है? वैशाली आपको भी नहीं समझ आ रहा है? नो सर। बताओ आप और कौन है? जी आपको भी नहीं समझ आ रहा है? सर नहीं समझ आ रहा।
मैं ना आप लोग को एक YouTube का लिंक दूंगा, आप लोग ना वो कल परसों छुट्टी नहीं, देखो संडे और मंडे छुट्टी है ना, बताओ मंडे और संडे छुट्टी है ना, मैं आप लोग को एक YouTube का लिंक दूंगा 4-5 घंटे का, पैसे भी करके उसका मुझे नोट्स चाहिए, बना के देना मुझे, ठीक है, क्लियर है? अगर वो आप चार से पांच घंटे का होगा, हाँ उसी का, वो किसी अदर कोचिंग का होगा, अगर आप लोग वो बना के दे दोगे ना भाई, तो फिर क्या होगा आपको, मुझे लग रहा है कि ऑर्गेनिक समझ आने लगेगा, ठीक है, क्लियर है मेरी बातें? सर सबको बनाना है? यस सर, सबको नहीं, मैं बस जिनको नहीं समझ आ रहा है, जिनको जिनको नहीं समझ आ रहा है ना, मुझे आप लोग मैसेज करते हैं पर्सनली, इसमें कोई भी शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक ना आगे और भी डेंजरस होता जाएगा अगर आप लोग नहीं बताओगे मुझे, तो आप लोग बता रहे हो सबसे अच्छी बात है, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा, अगर नहीं बताओगे तो फिर दिक्कत होने लगेगी। चलो जरा इसका आंसर आप लोग बताओ, आप लोग इसका आंसर बताओ, एक बात मैं आपको बताता हूं, ये बताओ अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो मैंने क्या बोला, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो क्या होगा, उस पर ज्यादा अटैक करेगा, बताओ जरा, क्या आपको नहीं दिख रहा है क्या डी वाले पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? यस सर। तो जाहिर सी बात है या फिर सी होगा या फिर डी होगा, सानू मेरी बात समझ आ रही है? कशिश यस सर, सानू मेरी बात आ रही है ना, आ रही है, या फिर सी होगा या फिर डी होगा, इसको हटा दो। अब ये बताओ कि ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, तो ये तो हो गया, अब बात किस पे कर लेते हैं, किस पे हम लोग बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं सी पे और डी वाला तो फिक्स हो गया, अब सी पे बात कर लेते हैं, बी पे बात कर लेते हैं, ए पे बात कर लेते हैं, ये बताओ कि क्या ए वाले पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है? नो सर, नहीं लगा है, तो इस पे तो रिएक्शन नहीं, बी वाले पे लगा है? यस सर, लगा हुआ है ना, लगा हुआ है, और सी वाले पे देखो यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लोन पेयर होता है इसके पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बताया था ना मैंने आपको, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये बताओ ये तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल करेगा, बोलो जरा। यस सर। भाई इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहे हो तो दो भी तो मत ना, यह तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सबसे ज्यादा लास्ट में यही चला जाएगा, तो उस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ, डी वाला सही होगा ना, बोलो जरा, अभी भी नहीं क्लियर हुआ आप लोग को? सर एक बार रिपीट कर दो। देखो एक बार यही रिपीट करना है, सबसे पहली बात बताओ कि डी वाले में हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक यह है, एक यह है और एक क्या है, एक यह है, क्या तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या तीन इलेक्ट्रॉन, तो डी वाले तो सबसे अच्छा होगा, ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। अब ये बताओ कि पहले अब बात करते हैं कि सी वाले का और डी बी वाले का, तो बी वाले में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिया हुआ है, ए वाले में कोई नहीं दिया हुआ है, और सी वाले में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिया हुआ है, जबकि हमें क्या चाहिए, विड्रॉइंग वाला चाहिए, सी वाले में क्या दिया है बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिया, जबकि हमें क्या चाहिए, विड्रॉइंग वाला चाहिए, अगर डोनेटिंग वाला दे दिया तो सबसे लास्ट में चला जाएगा ना ये? यस सर। बोलो आप लोग क्लियर है मेरी बातें? यस सर। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन, डी वाला।
क्लियर है क्या सबको? क्लियर हो गया? यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग बता दो, फिर हम लोग रिवीजन करेंगे थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन का, रेडॉक्स रिएक्शन का। एक पहला ऑप्शन है हमारे पास कुछ ऐसे है, दूसरा ऑप्शन देखो किसी का, पहला ऑप्शन ये है और कुछ ऐसे है। देखो किसी का बी ऑप्शन देख लो, या क्या बोला है SN2 रिएक्शन, क्या बोला है SN2 रिएक्शन है। बी वाला देख लो, बी वाला ऐसे हो गया। सी वाला ऑप्शन देख लो, और डी वाला ऑप्शन देख लो। जरा बताना कौन ऐसा जो है जो हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा ऐसा रॉन्ग ऑप्शन है ये बता दो, रॉन्ग ऑप्शन वाला बता दो। रॉन्ग ऑप्शन तो बता ही सकते हो ना। यस सर। किस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा? न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक नहीं करेगा? ये बोल रहा है कि यह दोनों में इस पे अटैक करेगा, इन दोनों में इस पे अटैक करेगा, इन दोनों में इस पे अटैक करेगा। अरे पॉजिटिव चार्ज आप बना के देखते जाओ ना, जिसपे ज्यादा स्टेबल होगा वही होगा ना। और तीसरे में देखो सी वाले में, तो सी वाले में ये बताओ न्यूक्लियोफाइल पहले पे अटैक करेगा कि दूसरे पे अटैक करेगा? सी वाला गलत है, सी वाला। अरे इस पे विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तभी तो अटैक करेगा ना क्लोरोबेंजीन पे। यस सर। नहीं समझे क्या आप लोग? अरे भाई विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तभी तो होगा ना। यस सर। यस, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग। ये कब का पूछा हुआ है? ये आपका 23 का पूछा हुआ कुछ, या 23 का क्वेश्चन पूछा हुआ? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? क्लियर है मेरी बातें? समझना पड़ेगा आपको, सही से अच्छे से समझना पड़ेगा, वरना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोग अच्छे से समझो इसको। आई होप आप लोग समझ रहे हो मेरी बातें। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ और मैं स्टार्ट करता हूँ आपका रेडॉक्स रिएक्शन। क्या स्टार्ट करूंगा मैं? रेडॉक्स रिएक्शन। अब ना हम लोग थोड़ा मेजर जो हमारा एग्जाम है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं कि हम अपने मेजर एग्जाम को कैसे क्लियर करेंगे। जो हमारा मेजर टेस्ट होगा ना 1 सितंबर को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पढ़ लेते हैं। वैशाली मेरी बातें समझ आ रही है? बताओ भावना। यस सर। आप लोग कभी नहीं पढ़े हो ना, सही सही बताओ ये सब चीजें। यूके में नहीं पढ़ाया गया है ना? नो सर। देखो
और रेडॉक्स का हम लोग पी वाई क्यू कर लेते हैं, रेडॉक्स का हम लोग ना पी वाई क्यू कर लेते हैं। जरा पहला वाला ऑप्शन बताना, ये आप लोग को ना आप लोग को याद होगा कि आप लोगों ने अपने इक्वेशन क्या किया था, बैलेंस किया था। किसको किसको याद है, किसको किसको याद है कि आप लोगों ने बैलेंस किया था इस इक्वेशन को? जरा बताओ क्या क्या आंसर होगा। आप लोग पढ़े होंगे, मुझे याद है आप लोग पढ़े होंगे इसको, इसको आप लोगों ने बैलेंस किया हुआ था। बताओ जरा, बताओ उसका क्या आंसर आएगा। सभी कोई सॉल्व करो, देखते हैं कौन आंसर बता देता है। चैट बॉक्स में आप लोग बताओ, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। शिवम का आ गया, सुरिंदर का आ गया, और भी बाकी बच्चे गौरव गौरव मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बताओ एक बार जरा। तो गौरव और प्रतिष्ठा का फोर आया, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले जब आप लोगों ने क्लास इलेवेंथ में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा ना, इसको अब बैलेंस किया होगा आप लोगों ने, और बैलेंस कुछ इस प्रकार किया होगा, ध्यान से देखना। सी आर टू ओ सेवन टू माइनस प्लस, यहाँ पे पता है कि आपको 14H प्लस देखने को मिलता है, कितना मिलता है 14H प्लस, और 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2Cr3 प्लस होता है और 7H2O कुछ इस प्रकार होता है, यही होता है ना। और हमसे बोला कि x y z और a बता दो, यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यू है वो h वाला है, तो h के पास कितना x है, 14 है ना। y की वैल्यू कितनी है, y हमारा इलेक्ट्रॉन है, कितना है बताओ, 6 है। और z वाला हमारे पास क्या है बताओ, 7 है। ए ए क्या चीज है, ए हमारे पास यहाँ पे 2a है, यहाँ पे cr क्या है, cr t प्लस है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4th वाला सही होगा ना, 4th वाला सही होगा ना, बताओ एक बार आप लोग। यस सर। यस सर। समझा करो, ठीक है। तो किस तरीके का क्वेश्चन आएगा आप लोग ध्यान दिया करो। चलो जरा इसका बताओ कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, बताओ जरा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बता दो आप लोग। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बता दो आप लोग। बताओ आप लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बताओ। गौरव का आंसर 1 आया है, बाकी बच्चे ठीक है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, बताता हूँ आप लोग को, ध्यान से देखो। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है आप लोग बताओगे एक बार, कि इसमें पता है क्या, कोई एक ही एटम होता है, मान लेते हैं ए एटम है, तो इसी एटम का ऑक्सीडेशन भी होगा और इसी एटम का क्या होगा, रिडक्शन भी होगा। अगर किसी एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या मेरी बातें क्लियर है?
वैशाली आप क्लास में हो क्या? तो उसने लीव कर दी क्लास, समझ नहीं आ रहा होगा उसको। बाकी को समझ आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ये बातें क्लियर हो गई आप लोग को? देखो तो सिंपल सी बात, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या कॉपर जो हमारे पास है प्लस वन में है, क्या बताओ जरा? प्लस वन में है, प्लस वन से कॉपर किस में जा रहा है? प्लस टू में जा रहा है। बताओ ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कॉपर प्लस वन से किस में जा रहा है? जीरो में जा रहा है। बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन। तो एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए यह क्या है? यह डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, पहला वाला। ठीक है, दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाले में बताओ हमारे पास मैंगनीज है। क्या है? मैंगनीज है। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा दूसरे वाले में, बताओ जरा? कितना होगा मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट? MnO42- है ना, एक बार काउंट करके बताना कितना आएगा। प्लस सिक्स। कितना आएगा? देखो आप इसको नहीं पता है तो आप इसको x मान लो, और आपको पता है हमारे पास ऑक्सीजन का माइनस टू होता है और ओवरऑल चार्ज कितना है बताओ? माइनस टू है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? क्या प्लस सिक्स आएगी क्या, जरा बताओ? क्लियर है मेरी बातें? प्लस सिक्स आएगी। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास प्लस सिक्स। अब ये बताओ इस वाले मैंगनीज में कितना आएगा, बोलो? उस वाले मैंगनीज का कितना होगा? प्लस सेवन। कितना आएगा? प्लस सेवन आएगा। और इसका कितना आएगा बताओ? प्लस फोर आएगा। अब ये देखो कि यह प्लस सिक्स से प्लस सेवन में जा रहा है, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और यह प्लस सिक्स से प्लस फोर में जा रहा है, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन? रिडक्शन। रिडक्शन। तो आप बताओ यह भी तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ना? यस सर। क्लियर है। आते हैं सी वाले में। सी वाले में बताओ मैंगनीज पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ? KMnO4 है ना, बताओ? KMnO4। आप K को प्लस वन मानोगे, Mn को x मानोगे, सेवन, और यहाँ पे टू, और प्लस सेवन, माइनस टू। कितना आएगा? प्लस सेवन। तो मैंगनीज अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, जरा बताओ? यस सर। इससे भी ऊपर जा सकता है या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। आज अब नहीं जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, केवल और केवल क्या होगा? रिडक्शन होगा। yes, लेकिन sir. हमने इस प्रोपोर्शनेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चाहिए। ठीक है, यह वाला तो नहीं होगा। इसमें जरा बताओ मैंगनीज पे कितना है? प्लस सेवन है। प्लस सेवन। और इसपे कितना है? प्लस टू है। इस पे आएगा प्लस फोर है। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि हमारे पास ये राइट साइड में केवल एक ही मैंगनीज है ना, और हमें दो चाहिए होता है, तो इसलिए यह क्या होगा? यह तो होगा ही नहीं है, ई वाला भी नहीं होगा। तो केवल और केवल कौन सा ऑप्शन सही होगा? नहीं समझे आप लोग? समझ गए सर। इसका तो आंसर ही नहीं दिया हुआ है, कैंसर ही नहीं दिया। चलो आगे देखते हैं। चलो इसका जरा बताओ आप लोग, फोर्थ वाले का बताओ कि कौन ऐसा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यही है कि दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, खुद को रिड्यूस कर दे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यही हुआ, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, खुद को क्या कर दे? रिड्यूस कर दे। फर्स्ट वाला। बताओ आप लोग, बताओ चैट बॉक्स में, बताओ आप लोग सभी, कोई चैट बॉक्स में बताओ।
बोलो बोलो क्या होगा आंसर बताओ। अदर पर्सन सानूस कसिस, आप लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा? सानू आपको भी टफ लग रहा है ऑर्गेनिक? सानू ऑर्गेनिक टफ लग रहा है बताओ। देखो अगर मैं इसकी बात करूं MnO4 की बात करूं तो ये बताओ इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बताओ जरा? क्या प्लस सेवन होगा? क्या इसमें कितना होगा? ब्रोमीन का कितना होगा? प्लस सेवन होगा। और इसमें सल्फर का कितना होगा बताओ? प्लस सिक्स होगा। ये बताओ सल्फर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 6 में है, ब्रोमीन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 7 में है, और यह भी क्या है अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 7 में है। यह बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, खुद को क्या करना? ब्रोमीन का प्लस 5 होगा। क्या ब्रोमीन का प्लस 5 होगा ना? देख लेते हैं BrO3 माइनस x माइनस 6 माइनस 1, इसका प्लस 5 होगा। ठीक है प्लस 5 होगा इसका। तो पता है क्या होता है, यह तीनों पता है क्या, ये ब्रोमीन जो है ना केवल फ्लोरीन के साथ माइनस 7 दिखाते हैं। किसके साथ दिखाते हैं? केवल और केवल फ्लोरीन के साथ माइनस 7 दिखाता है। तो यह पता है क्या, यह इससे ऊपर नहीं जा सकता, यह इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो यह पता है क्या करेगा, यह खुद का ऑक्सीडाइज अब नहीं कर सकता, दूसरों को रिड्यूस करेगा, मतलब खुद का रिड्यूस करेगा। यानी इसका मतलब क्या है, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप बताओ, तो बस यही एक बचाना, तो यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। तो बताओ, ये मैंने डी ब्लॉक में बताया था, सेम टू सेम डी ब्लॉक में मैंने ये बताया था आपको। मैंने यह डी ब्लॉक में आपको बताया था, अगर KMnO4 को डिकम्पोज करोगे तो क्या क्या बनेगा। अगर आप KMnO4 को डिकम्पोज करोगे तो क्या क्या बनेगा जरा बताओ इसको। अदर पर्सन, ये मैंने आपको बताया था, आपको डी एंड एफ ब्लॉक भूल गया है ना? देखो मैंने आपको यह बोला था कि अगर मान लो कि MnO4 हो, यह मैंने लिखवाया भी था, MnO4 को डिकम्पोज करेगा तो क्या बनेगा, K2MnO4 बनता था और MnO2 बनता था और साथ में ऑक्सीजन बनता था। यहाँ पे 2 से कर दोगे तो हमारे पास क्या रहता, रिएक्शन बैलेंस हो जाता था, यही बनता था और कुछ नहीं बनता था। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? यस सर। हाँ यही वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। किसी को कुछ भी डाउट हो तो एक बार बताओ आप लोग, किसी को भी किसी भी टाइप का डाउट हो तो एक बार आप लोग बताओ। डाउट है किसी को? नो सर। क्या आप लोग सॉल्व करोगे आप लोग ये सब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे आप लोग? हाँ सॉल्व करना। एक बार जरा आप लोग अपना ग्रुप नंबर बता दो, कौन कौन सा ग्रुप है। सक्षम, सक्षम वाले हैं बच्चे, और सक्षम के साथ कौन कौन है हमारे पास? ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम, DCP, हमारे पास DCP है, एक मिनट रुको। DCP के साथ साथ कौन कौन है? HP वाले, हिमाचल वाले कौन कौन है?
सुरेंद्र जस्टिस यस सर किसी क्या सबके ग्रुप में पहुंच गया क्या मटेरियल यस सर किसी को कुछ भी डाउट हो आप लोग डाउट वाले ग्रुप में हो आप लोग क्वेश्चंस पूछो उसमें रिप्लाई आता है और मैंने आप लोग को कभी रिप्लाई करते हुए नहीं देखा आप लोग केवल उसमें क्या करते हो बताओ ना क्वेश्चंस पूछते हो ना रिप्लाई करते हो मैं हूं सर मैं क्वेश्चन पूछता हूं रिप्लाई फिर क्यों नहीं करते हो आप लोग अगर कोई बच्चा पूछता है अगर आप लोग को आता है तो आप लोग को भी तो जिम्मेदारी बनती है ना आप लोग रिप्लाई करना सानू कशिश सुरेंद्र आप लोग भी रिप्लाई करना इससे कन्वर्सेशन काफी अच्छा होता है ठीक है आप तो पूछा भी करो रिप्लाई भी किया करो केवल टीचर्स के भरोसे मत रहा करो ओके सर रिप्लाई करो क्योंकि आप लोग हाईलाइट हो जाओगे ना तो आप अगर कुछ भी हमें देना होगा या फिर जो भी होगा तो हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करेंगे क्योंकि पता रहेगा तभी तो करेंगे ना ठीक है अरे क्लियर है यस सर ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ाई करना मजे से ओके सर ओके बाय बाय